हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत जॉन डीवी का दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि जॉन डीवी जो एक शिक्षा शास्त्री भी थे, उनको फलवादी दार्शनिक, प्रयोजनवादी दार्शनिक और अनुभववादी दार्शनिक स्वीकार किया जाता है। जॉन डीवी के अनुसार प्रत्येक विचार, विश्वास, सिद्धांत की सत्यता उसके परिणाम से होती है। अर्थात जॉन डीवी का विचार था कि प्रत्येक विचार, कोई भी आइडियाज, कोई भी विश्वास, सिद्धांत की सत्यता उसके परिणाम से ही मानी जाती है और व्यवहारिकता ही सत्य की एकमात्र कसौटी होती है। जॉन डीवी बहुतत्ववादी सिद्धांत में विश्वास करते थे और वह ये कहते थे कि सत्य और मूल्य देश और काल के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी किस स्थान पर, इवन आपने सुना भी होगा, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही सत्य का महत्व होता है। कई जगह सत्य बोलने पे आपको मृत्यु दंड मिल सकता है और कहीं किसी स्थान पर सत्य बोलने पर आपको असीमित सम्मान प्राप्त हो सकता है। जबकि आप बिल्कुल गलत नहीं है क्योंकि आपने सत्य बोला, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार ही सत्य बोला जाता है। और व्यवहारिकता को उन्होंने इसीलिए महत्व दिया कि किस स्थान पर सत्य बोलना है, किस स्थान पर झूठ बोलना है और किस स्थान पर कुछ भी नहीं बोलना है, अर्थात मौन रहना है। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार वो कहते थे कि सत्य और जो मूल्य है, मनुष्य के जो मूल्य हैं, वो बदलते रहते हैं। और स्व अनुभव पर विशेष जोर उन्होंने दिया है अपनी शिक्षा में। सामाजिक परिवेश व वस्तुओं के संपर्क से जो अनुभव प्राप्त होता है वही सत्य होता है और वही सच्चा ज्ञान होता है। जॉन डीवी का दार्शनिक सिद्धांत इस बात में विश्वास करता है। अगली बात उन्होंने बताई कि अनुभव ही आचरण में परिवर्तन करता है। किसी भी मनुष्य में बहुत सारे, जीवन में बहुत सारे उसकी घटनाएं घटित होती रहती हैं, क्रियाकलाप वो करता रहता है, घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं से ही व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही वास्तव में सच्चा ज्ञान होता है। और अनुभव ही क्या करता है, उस मनुष्य के आचरण में भी परिवर्तन ला देता है। जैसे आपने सत्य बोला, मान लीजिए किसी भी बात में आपने सत्य बोला और किसी व्यक्ति ने आपको पुरस्कार की जगह दंड दे दिया, तो अगली बार क्या आप उससे सत्य बोलना पसंद करेंगे? क्योंकि वह व्यक्ति तो झूठ ही सुनना चाहता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी झूठी तारीफ बहुत पसंद होती है और आप उनसे कह दें सत्य, तो क्या होगा, वो आपको दंडित करेंगे। और कई व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो सत्य ही सुनना चाहते हैं, उन्हें झूठ से नफरत होती है, तो ऐसे व्यक्ति आपको पुरस्कार दे सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं। कई व्यक्ति आपकी योग्यता के अनुसार आपको वेतन देते हैं, कई व्यक्ति आपको आपके द्वारा की गई चापलूसी के द्वारा वेतन देते हैं कि आप कितनी उनकी चापलूसी कर सकते हैं, कितनी उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन कई लोग आपकी योग्यता, आपकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आपको वेतन देते हैं और कई जगह आपको वेतन चापलूसी के अनुसार भी मिल सकता है ज्यादा, ठीक है। तो अर्थ की दृष्टि से भी, क्योंकि यहां फलवाद की, देखिए फलवादी दार्शनिक है, परिणाम को उन्होंने महत्व दिया है जॉन डीवी ने, तो जॉन डीवी का दार्शनिक सिद्धांत किस में विश्वास करता है, परिणाम में, फल में। वो बताना चाहते हैं कि देश काल और परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार भी आपको अपना आचरण प्रदर्शित करना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। और ये सब कैसे आपको प्राप्त होता है, ये सब आपको अपने अनुभव के द्वारा ही प्राप्त होता है और उसी से आपकी क्रियाएं, क्रियाकलाप, व्यवहार परिवर्तित होता रहता है। आपके आचरण में जो भी परिवर्तन आएगा वो आपके अनुभव के द्वारा ही आएगा और अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, ठीक है। वो कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी वो सामाजिक दर्शन में भी विश्वास करते थे और वह अन्य मनुष्यों के साथ रहकर ही विकसित होता है, अच्छा नागरिक बनता है और उसमें नैतिकता की का भी विकास होता है।
यानी वो सामाजिक विकास को एक महत्वपूर्ण चीज मानते थे मनुष्य के विकास में। और विद्यालय के दृष्टि से अगर उनको देखें तो विद्यालय को वो एक समाज का लघु रूप मानते थे, और वो कहते हैं कि विद्यालय में ही सामाजिक कुशलता उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य होता है। अर्थात विद्यालय बनाने का उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय बनाने का ये उद्देश्य है कि विद्यालयों में शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक कुशलता को विकसित किया जाए। और वो कहते हैं कि विद्यालय व्यक्ति में शिक्षा के द्वारा सामाजिक जीवन जीने की क्षमता को विकसित करने का काम करते हैं। दर्शन, उनके जो दर्शन को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। और वो कहते हैं कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप होती है और दर्शन शिक्षा का सिद्धांत रूप होता है, सैद्धांतिक रूप होता है। तो उनका जो जॉन डीवी का जो दार्शनिक सिद्धांत है उसको मुख्य रूप से प्रयोगवादी दर्शन माना जाता है। उन्होंने ये कहा है कि प्रयोग से ही सिद्ध होने के बाद ही किसी बात को सत्य माना जा सकता है, और हमें नए नए प्रयोगों से सत्यों का पता लगाना चाहिए। यानी वो ये कहते हैं कि किसी भी बात को अगर प्रैक्टिकली रूप से साबित नहीं किया जा सकता है तो उसे सत्य भी नहीं माना जाएगा। यानी आप जो भी बात कहते हैं उसको प्रैक्टिकली प्रयोग के माध्यम से दूसरों के समक्ष आप सत्य सिद्ध कर दें, साबित कर दें, तो उसके परिणाम को देखकर जो भी आप बात कहेंगे वो पूरी तरह से सत्य मानी जाएगी। इसीलिए उनके जॉन डीवी के दार्शनिक सिद्धांत को फलवादी दार्शनिक सिद्धांत, प्रयोजनवादी दार्शनिक सिद्धांत या अनुभववादी दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जॉन डीवी का दार्शनिक सिद्धांत वास्तविकता को स्वीकार करने और अनुभव द्वारा आचरण में परिवर्तन लाने का मुख्य रूप से एक सैद्धांतिक सिद्धांत माना जाता है। और प्रयोगवादी दर्शन भी उनके सिद्धांत की एक मुख्य विषय वस्तु है, क्योंकि वो मानते हैं कि प्रयोग से सिद्ध होने के बाद ही किसी बात को सत्य माना जा सकता है या सत्य रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जॉन डीवी का जो दार्शनिक सिद्धांत है वो इस बात को महत्व देता है कि प्रत्येक विचार, विश्वास और सिद्धांत की सत्यता उसके परिणाम से होती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आप मान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपका जो विचार है, विश्वास है या कोई भी सिद्धांत है उसकी सत्यता की परख दूसरा व्यक्ति उसके परिणाम को देखकर करेगा। और व्यवहारिकता ही सत्य की एकमात्र कसौटी होती है। तीसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि आपका जो सत्य है या आपके जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। तीसरी ये उनकी शिक्षा सिद्धांत की या दार्शनिक सिद्धांत की तीसरी महत्वपूर्ण बात है। चौथी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि व्यक्ति को जो भी सीखना चाहिए स्व अनुभव के द्वारा सीखने पर जोर देना चाहिए। और पांचवी उनके दार्शनिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक परिवेश से व वस्तुओं के संपर्क से ही व्यक्ति के अनुभव में वृद्धि होती है, वही सत्य होता है जो भी उसको ज्ञान मिलता है सामाजिक परिवेश से और वस्तुओं के संपर्क में आने से, और वही सच्चा ज्ञान भी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनुभव ही आचरण में परिवर्तन करता है। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर सकारात्मक अनुभव उसको प्राप्त होता है या जीवन में नकारात्मक अनुभव प्राप्त होता है तो उसी के अनुसार उसके आचरण में भी परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति सही या गलत नहीं हो सकता है, होता ही है कुछ मामलों में, लेकिन सही और गलत होने में समय लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया देश काल और परिस्थिति और घटनाएं जो घट रही हैं उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उससे व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होता है और अनुभवों के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है। तो अगर उसके अनुभव सकारात्मक अनुभव रहे हैं तो व्यक्ति सच्चरित्रता की ओर बढ़ जाएगा, और अगर उसे सही काम करने के बाद भी
दंडित किया जा रहा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, तो निश्चित रूप से उसके गंभीर परिणाम होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग संसार में हुए हैं जिनको बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या युवावस्था में जिनका शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से शोषण हुआ है, और भविष्य में उन्होंने पूरे संसार को अपनी प्रतिशोध की ज्वाला में जला दिया है। तो हमें किसी भी व्यक्ति के साथ आचरण करते समय, व्यवहार करते समय विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति सच्चा है कि नहीं है। सबसे पहले तो अगर वह व्यक्ति सच्चा है तो उसके साथ फिर सकारात्मक व्यवहार ही करना चाहिए, अन्यथा उस भविष्य में उसके दुष्परिणाम देखने में आ सकते हैं। अगली बात उन्होंने बताई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसलिए वह अन्य मनुष्यों के साथ रहकर ही विकसित होता है, अच्छा नागरिक बनता है और उसमें नैतिकता का विकास होता है। यानी उन्होंने सामाजिक विकास को काफी महत्व दिया है मनुष्य के जीवन में, और विद्यालय के जीवन को भी उन्होंने एक बालक के जीवन में बहुत अधिक महत्व दिया है, क्योंकि वो कहते हैं विद्यालय समाज का लघु रूप है। यानी समाज में जो भी वास्तविकताएं होती हैं वो सब विद्यालय में भी होती हैं। जब विभिन्न समुदायों, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा वाले छात्र छात्राएं आपस में विद्यालय में मिलते जुलते हैं तो उनकी अंतर क्रियाओं के माध्यम से एक बालक या बालिका को नया अनुभव प्राप्त होता है, नया जीवन में सीखने को मिलता है, और आगे चलकर वही ये निर्धारित करता है, वही अनुभव ये निर्धारित करता है कि बालक या बालिका सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे या नकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। वो कहते हैं कि विद्यालय में सामाजिक कुशलता को उत्पन्न करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, ताकि भविष्य में जब व्यक्ति, बालक हो या बालिका हो, समाज में अपने परिवार को स्थापित करें तो उसमें कुशलता पूर्वक उसका संचालन कर सकें। सामाजिक जीवन जीने की क्षमता और कला का विकास भी विद्यालय के द्वारा ही बालक या बालिका को प्राप्त होता है। वो दर्शन शास्त्र के बारे में कहते हैं कि यह सामाजिक समस्या को सुलझाने में सहायक होता है। शिक्षा के बारे में उनकी राय यह थी कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक रूप है, और दर्शन के बारे में वो कहते हैं कि यह शिक्षा का सिद्धांत रूप है। तो उन्होंने प्रयोगवादी दर्शन को महत्व दिया, और वो कहते हैं कि प्रयोग से सिद्ध होने के बाद ही किसी बात को सत्य माना जा सकता है, और हमें नए नए प्रयोगों को और उनसे जुड़े हुए सत्यों को पता लगाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने जॉन डीवी के दार्शनिक सिद्धांत को जाना और समझा।